खोलने के बाद क्या करना है आपको, इसको लेना है और दोनों नॉस्ट्रिल्स में पांच पांच बार रोटेट करना है। तो ये मैंने डाला, अरे खुजली हो रही है। गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग जो है वो कोविड से रिलेटेड होने वाला है, और मैं ये जो ब्लॉग बना रहा हूँ बहुत ही जल्दी में ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि दिन भर बिल्कुल टाइम नहीं मिला, बहुत इधर उधर बहुत तरह के काम पेंडिंग थे, और सैटरडे संडे में सारे वही काम पूरे होते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं भी रात में 10 बजे शूट कर रहा हूँ, हो सकता है कि अभी शूट करके अभी एडिट करके फटाफट से अपलोड कर दूँ, तो हो सकता है कि ब्लॉग आज ही आपको मिल जाए। मैंने फ्लिपकार्ट पे ऐसे स्क्रॉल करते हुए मुझे ये चीज़ दिखी, तो मैंने फटाफट से इसको ऑर्डर मार दिया ताकि मैं आपको भी दिखा सकूँ, और मेरा खुद भी थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि ये जो इतनी बिक रही है क्या ये इतनी यूजफुल है नहीं। तो ये माई लैब की मैंने कोवी सेल्फ रैपिड एंटीजन टेस्ट किट मंगाई है, 250 रुपीज की एक सेट आती है और मिनिमम आप दो ऑर्डर कर सकते हो, तो मैंने ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करिए। फटाफट से इसको खोलते हैं, क्या देखते हैं क्या क्या इसके कंटेंट, और इस वीडियो में हम लोग मेजरली ये देखने वाले हैं कि जो सेल्फ किट है क्या ये इजी टू यूज है, और कोई भी बंदा सीधे पैकेट खोल के तुरंत ये टेस्ट कर सकता है नहीं कर सकता है, क्योंकि बेसिकली अगर ये सेल्फ किट इतनी ईजी टू यूज नहीं होगी और बहुत डिफिकल्टी होगी लोगों को यूज करने में, तो ये सेल्फ किट फिर किसी काम की नहीं। इससे अच्छा था आप किसी सेंटर पर जाके अपना टेस्ट करा लो। तो ये रैपिड एंटीजन टेस्ट है, और एक और मैं बता दूं कि रैपिड एंटीजन टेस्ट इतना एक्यूरेट नहीं माना जाता। लोग जनरली कहते हैं अगर आप रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने जा रहे हो तो उसको कराने के बाद आरटीपीसीआर जरूर कराना, और अगर इसमें ही आपका पॉजिटिव आ गया तो आपको आरटीपीसीआर कराने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल अपने आप को क्वारंटीन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अगर आपको डिफिकल्टी हो रही ब्रीथिंग वगैरह में तभी हॉस्पिटल जाएं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको हॉस्पिटल जाने की, आप घर पे भी ठीक हो सकते हो। लोगों ने क्या करा कि जैसे ही उनको कोविड हुआ वो अपने आप को भर्ती कराने लगे, और तभी सारी गड़बड़ हो गई। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोविड कोई भी पेशेंट है उसको ज़रूर से बताएं, उसको फ़ोन करके बताएं, मैसेज करके बताएं कि भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, ये एक फेज़ है, निकल जाएगा। सो गाइस फटाफट से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाता हूँ क्या क्या इसके आते हैं कॉन्टेंट्स। मैंने एक पैकेट खोल लिया, एक बचा के रखा है। तो ये था हमारा पैकेट, और इसके अंदर से जो निकला है वो एक निकली है ये, जिसपे हमें वो लिक्विड डालना होगा जिसमें इंडिकेटर होगा कि हमें है कि नहीं है। हमें साथ में एक प्रीफिल्ड लिक्विड मिला इसके अंदर से, और एक ये स्वाब मिली है जो कि स्टेरिलाइज्ड है, इसको अपने नॉस्ट्रिल्स में डालना होगा ये नाक के छेद में, और साथ में हमें एक डिस्पोजेबल एक पैकेट भी मिला था, बट क्योंकि पंखा चल रहा था इसलिए उड़ गया। और ब्लॉग बनाते समय आप देख सकते हैं पंखा जो है क्लोज है, वरना बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी। और अभी मैं इसलिए फटाफट से बिना माइक के वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, क्योंकि अगर माइक वाइक लगाऊंगा तो देर लग जाती है वीडियो एडिट करने में, तो इस वजह से मैं बिना माइक के फटाफट वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए पंखा बंद करके बना रहा हूँ। आप पसीना देख सकते हैं भयंकर आ रहा है, तो इसी बात पे लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो, ताकि आप लोगों को अच्छी क्वालिटी दे सकूँ मैं। तो ये टेस्ट है, तो इसको हम क्या करते हैं, मैं ट्राईपॉड लेता हूँ और ट्राईपॉड पे लगा देता हूँ। सो गाइस ये रहा हमारा, सबसे पहले क्या कर ले रहे हैं इसको खोल ले रहे हैं, और खोलने से पहले आपको इसकी माई लैब की जो ऐप है वो भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो मैंने इसको पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ये रही हमारी ऐप, और मैं इसमें अपनी सब डिटेल्स वगैरह भी फिल कर रहा था, तो इस पर सब अपनी डिटेल्स वगैरह फिल कर लिया। और लास्ट में आपसे बोलेगा स्कैन QR कोड फॉर कैसेट ID, तो कैसेट ID आपकी इसके अंदर होगी, इसमें QR कोड मिलेगा आपको। तो इसको मैं ऐसे करके खोल ले रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने ऐसे करके खोल लिया। तो ये हमारी आ गई टेस्ट किट, और इसमें देखो आप देख सकते हो कि इसमें एक QR कोड है जो हमें स्कैन करना होगा। तो बस फटाफट से टेस्ट को करते हैं चालू, हम इस पैकेट को खोल लेते हैं, और इस पैकेट में जो है हमारा प्रीफिल्ड लिक्विड है, तो हमने इसको भी खोल लिया है, और खोलने के बाद देख सकते हैं इसमें अगर आपको दिख रहा हो तो इसमें हल्का सा जो है वो लिक्विड फिल्ड है। और जो भाई दूसरा कॉम्पोनेंट है वो आता है ये वाला, और इसमें आपको दिख रहे होंगे दो इंडिकेटर थे, सी और टी। अगर आपको सी और टी दोनों आप ब्लिंक कर जाते हैं, यानी कि आप कोविड पॉजिटिव है, आपने आपको फटाफट से क्वारंटीन करिए। और अगर आपका केवल सी आता है, केवल आपका सी वाला आता है कंट्रोल लाइन, तो यानी कि आप कोविड नेगेटिव है। अब आती है स्वाब, ये आती है स्वाब, तो स्वाब का एक हिस्सा जो है वो आपके नॉस्ट्रल्स में जाएगा, तो आपको उस साइड से नहीं पकड़ना है, आपको दूसरी साइड से ये खोलनी है। सो गाइस क्या करा मैंने, ये स्वाब निकाल ली है, ठीक है, और स्वाब निकाल के क्या करना है, जो आपका प्रीफिल्ड लिक्विड था उसको हैंडी रखना है, उसको खोल के रखना है, तो आप इसको खोल के ही रख लीजिए, ठीक है, मैंने खोल लिया है। खोलने के बाद क्या करना है आपको, इसको लेना है और दोनों नॉस्ट्रिल्स में पाँच पाँच बार रोटेट करना है। तो ये मैंने डाला, अरे खुजली हो रही है।
ऐसी आपको दूसरी नॉस्ट्रिल में भी डालना है। और उसके बाद आपको इसमें डिप कर देना है, ठीक है, अच्छे से इसको डिप कर देना है। और जो ब्रेक पॉइंट है इस पे आपको तोड़ देना है, ठीक है, ये टूट गई है और इसको आपको बंद कर देना है, ये आपकी बंद हो गई है, खुजली हो रही है बहुत तेज। और उसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद इस पे दो लिक्विड डाल देने हैं, एक दो, दो लिक्विड डाल दिए हैं। अब 15 मिनट का वेट करना है और आप देख सकते हैं, मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं अब टाइमर स्टार्ट हो गया है, मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है और ये भी फिल होना देखिए स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो अब ये स्टार्ट हो चुका है। 15 मिनट के बाद अलार्म बजेगा, 15 मिनट का अलार्म बजने के बाद हमें पता लगेगा कि हमारे टेस्ट रिजल्ट्स क्या हैं। तो 15 मिनट का वेट करते हैं, मैं तब तक थोड़ी सी पंखे की हवा खा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे ब्लॉग में आगे, वरना मैं पानी पानी हो जाऊंगा। मिलते हैं आपसे 15 मिनट के उस पार। 4 बजे दिखाता हूँ आपको क्या सीन चल रहा है इसका। तो हमारे कुछ 3 मिनट 40 सेकंड कुछ बचे हैं और ऑलमोस्ट टेस्ट जो है वो मुझे दिखने लगा है, और जो है वो सी के सामने एक डंडी सी बन चुकी है। इसका मतलब है कि हम हैं नेगेटिव बट लाइफ में हैं हम पॉजिटिव, और पहली बार कोई सी बोल रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है। समझदार को इशारा कर, समझ रहे हो। मैंने बेसिकली इस वीडियो का मेरा मेन मकसद ये है कि आप घर बैठे भी टेस्ट कर सकते हो, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल इजी है। मैंने आपको दिखाया विद इन टू मिनट मैंने ये टेस्ट परफॉर्म कर लिया है। बस जो टाइम लगता है इसको खुद से ही, कुछ इसकी कुछ एल्गोरिथम वगैरह है जो इतना टाइम लेती हो। और हाँ, एक और बात, अगर आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे, हमने लिक्विड में अपना स्वाब डाला, तो अगर आप 20-25 मिनट के बाद वो लिक्विड लेके इस वाले में, इस मीटर में डालते हो, तो टेस्ट जो है वो इनवैलिड माना जाएगा। इसलिए आपने तुरंत करो और तुरंत इसमें डाल दो, तो आपका टेस्ट जो है वैलिड माना जाएगा। दोबारा से पसीना आने लगा, तो इसको फटाफट से रैप अप कर लेते हैं, ये 1 मिनट बचा है उसमें, उसका लास्ट का वीडियो को फटाफट से रैप अप करते हैं। और हाँ, आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जब मैंने किट खोली थी, किट खोलते समय जो हल्का आइटम था वो पंखी वैसे उड़ गया था। तो आपको इसमें एक तो यूज़र मैनुअल भी मिलती है जिसमें हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ, इतनी बड़ी यूज़र मैनुअल है। और साथ में आपको डिस्पोजेबल किट भी मिलती है, जब आप सब टेस्ट परफॉर्म कर लो तो आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। तो मुझे वो बेड के नीचे मिल गई थी, तो मैंने कहा चलो आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो मैंने जितना भी सामान यूज़ करा था इसका, वो सब इसमें डिस्पोज ऑफ कर दिया और उसको मैं प्रॉपर तरीके से डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ कर सकता हूँ, बंद करके ऊपर से जिपर पैक है, बंद कर दूंगा। 30 सेकंड बचे हैं, यहाँ पर जो है वो अलार्म बज चुका है। और क्लिक हियर टू टेक अ पिक्चर ऑफ द कैसेट विद द रिजल्ट्स, ठीक है, फोटो खींच लेते हैं इसकी, ऐसे करके फोटो खींचनी है कैसेट की। तो गाइस फाइनली जो है वो रिजल्ट हमारा आ चुका है और हम आए हैं नेगेटिव, हमारी रिपोर्ट भी जनरेट हो चुकी है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और ये रहा मेरा दूसरा पैकेट, और इसको लेके मैं किसी और के साथ भी ये वाला टेस्ट परफॉर्म करूँगा। तो आपको किसी वजह से ब्लॉग इंटरेस्टिंग लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो ब्लॉग को जरूर से लाइक करेगा, शेयर करेगा, और लास्टली चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे, बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आप लोगों के लिए डेली तो नहीं करेंगे बट हाँ कभी कभी आते रहते हैं। इसी नोट में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ब्लॉगिंग एंड